हर क्षण अनमोल है, अमूल्य है। ईश्वर का महान प्रसाद है यह मानव जीवन। मैं प्रायः कहता रहता हूं, यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी, यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन, और हम यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। असंख्य जीव असंख्य शरीरों में भटकते जा रहे हैं, असंख्य जीव कोई गिन नहीं सकता, असंख्य जीव भिन्न भिन्न योनियों में शरीरों में भटकते जा रहे हैं। जहां आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, जहां स्वयं के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, केवल भोग ही है, ये मानव शरीर ही है, ये मानव जीवन ही है, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हम हैं कौन, वह परम तत्व क्या है, वह ईश्वर क्या है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, सद्गुरुदेव के स्वर वेद के द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होने लगता है। हम कौन है हम इसका अनुभव कर लेते हैं। तो खुद से खुद की ही दूरी को तो मिटाना है। आदि अनादि काल से हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के भोगों पदार्थों संबंधों में हम बहे जा रहे हैं। मैं तू यह वह, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नास, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नास, कर माया मन नास। शरीर की मृत्यु हो जाती है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये संयोग से बना है। जो संयोग से निर्मित है उसका वियोग हो जाता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इन पंच तत्वों के सहयोग से यह शरीर निर्मित हुआ है। जिससे शरीर बना है उसी से ये संसार बना है। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है।
शरीर मतलब संसार, ये दृश्य, ये पदार्थ, जिससे शरीर बना है उसी से ये संसार बना है। शरीर जड़ है, विनाशी है, प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है, हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांचों मिलकर भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते, आत्मा को छू नहीं सकते। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं। शरीर दृश्य है, और दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जो दृश्य का अदृश्य आधार है, वह हम स्वयं हैं। तो मानव जीवन में ही ये जिज्ञासा होती है कि कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। स्वयं का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, हम खुद को जान लें, हम खुद को पहचान लें। क्यों? क्योंकि हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम संसार में उलझ नहीं सकते, हम केवल संसार तक सीमित नहीं हो सकते। संसार का तो क्रम चल रहा है, प्रकृति का यह प्रवाह तो प्रवाहित है, आदि अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं, 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के, इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह जो क्रम है, चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, मिला था इसीलिए छूट गया। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं, हमारा है नहीं ये शरीर, हमें मिला जरूर है। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु शरीर लेकर जा नहीं सकते। हम लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी वस्तुओं से कितना मोह रखते हैं, वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, वो औरों के लिए भी कितनी उपयोगी हो सकती है, हम इसका कहाँ चिंतन करते हैं। श्रेष्ठ जनों में ही ये चिंतन होता है। शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं, उसने दिया है,
बड़ी कृपा करके दिया है। जीवनम परमो उत्कृष्ट प्रसादो जगति पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है, मुख्य विषय यही है। अब जब यह कहा जाता है कि केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है, तो इसका अर्थ है संसार का ध्यान रखने के लिए, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों में ही। इन भ्रमों में ही, इन बंधनों में ही बंधकर रहने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति, शरीर को पुष्ट रखना और इंद्रियों को तृप्त रखना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ही तो ये देव दुर्लभतम ये शरीर नहीं मिला। जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, एकांत में शांत चित्त होकर बैठे हैं, पावन गंगा तट में संगम तट पर हैं, शांत चित्त होकर बैठे हैं, एकाग्र होकर, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में ग्रहण शक्ति है, जीवा में रस है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है, त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है जिससे संपूर्ण शरीर आवेष्टित है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। योगीराज कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हैं दिनचर्या के, कौन हूं मैं, क्या क्या मैं केवल इंद्रियों तक सीमित हूं। शांत चित्त होकर साधक साधिका कुछ क्षण एकांत में स्थित होकर विचार करते हैं, घर के किसी कोने में निश्चित स्थान पर बैठकर, कौन हूं मैं केवल शरीर तक सीमित नहीं। संसार की उलझनों में उलझ कर नहीं रह सकते, फंस नहीं सकते, स्वयं को रस्सियों से बांध कर नहीं रख सकते। इतना बांध लिया है खुद को, इतना बांध लिया है अपने को रस्सियों से, एक रस्सी से बांधा हो तो कोई खोल दे, इतनी गांठें हैं हमारे मन में, इतना विचारों में उतार चढ़ाव है हमारे मन में, इतने विचारों में अस्थिरता है हमारे, खुद को बांध लिया है, खुद को बांध लिया है।
कल मैंने कहा था हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने कहा है कि दुख का कारण और कुछ नहीं अज्ञान है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में अविद्या प्रथम क्लेश है। खुद को बांध लिया है, खुद को बांध लिया है, कई कई रस्सियों से बांधा है, इतनी गांठें हैं मन में, विचारों का इतना उतार चढ़ाव है। मन में कितनी तरंगे हैं, हजारों हजार विचार प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का ये कितना प्रवाह गतिमान है, कितनी तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। जैसे मानो समुद्र के ऊपरी भाग पर कितनी तरंगे तरंगित होती जा रही है, समुद्र के ऊपरी भाग में ये ऊंची उठती तरंगे तरंगित होती जा रही है, टकराती जा रही है आपस में, ये ऊंची उठती तरंगे समुद्र के ऊपरी भाग में टकराती जा रही है। सात समुंदर की लहर मन की लहर है, साहेब की वाणी है। समुद्र के ऊपरी भाग में ये ऊंची उठती तरंगे टकराती जा रही हैं, तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, अस्थिरता, चंचलता, चपलता, अस्थिरता। समुद्र के ऊपरी भाग में ज्वार आ गया है, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं, चलो सुरक्षित स्थान पर, समुद्र में तो तूफान आ गया है, तूफान आने को है। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध चल रहा है, तरंगों में युद्ध चल रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी अस्थिरता, इतनी चंचलता, इतनी चपलता, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध हो रहा है, चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, जिसके ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी चंचलता है, इतना संघर्ष है, मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में क्या कोई युद्ध है, क्या कोई अशांति है, क्या कोई चंचलता है, कोई चपलता है? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, शांति है, सहजता है, निरवता है, स्तब्धता है। समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई उपद्रव नहीं।
वैसे ही हम सबके भीतर, हम सबके भीतर शांति का ही समुद्र है।